ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आज 75वां देश का गणतंत्र दिवस है, जिसको लेकर जगह जगह पर गणतंत्र दिवस का उल्लास यहां पर दिखाई दे रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दूसरी बार कर्तव्य पथ पर तिरंगा फहराएंगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो चीफ गेस्ट हैं। गणतंत्र दिवस की थीम विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका है। परेड का आगाज 100 महिला म्यूजिशियन शंख नगाड़े और वाद्य यंत्रों के साथ होगा। 1500 महिलाएं अपने पारंपरिक पहनावे में परेड में लोक नृत्य करेंगी। रक्षा मंत्रालय समारोह के दौरान एक स्मारक का सिक्का और स्मारक टिकट जारी करेगा। पहली बार तीनों सेनाओं पैरामिलिट्री ग्रुप से पुलिस की टुकड़ियों को महिलाएं लीड करेंगी। तीनों सेनाओं के कंटिजेंट का नेतृत्व भारतीय सेना की कैप्टन शरण्या राव करेंगी। केंद्रीय सशस्त्र बलों की टुकड़ियों में महिला कर्मी भी हिस्सा लेंगी। बीएसएफ, सीआरपीएफ और एसएसबी की महिला कर्मी 350 सीसी रॉयल एनफील्ड बुलेट्स पर सवार होकर स्टंट दिखाएंगी। फ्लाईपास्ट में एयरफोर्स के 51 एयरक्राफ्ट हिस्सा लेंगे। इसमें 29 फाइटर प्लेन, 7 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, 9 हेलीकॉप्टर और 1 हेरिटेज एयरक्राफ्ट शामिल होगा। फ्लाईपास्ट में पहली बार फ्रांसीसी सेना के राफेल भी शामिल हो रहे हैं। इस साल 16 राज्यों के राज साथ 9 मंत्रालय विभागों की झांकियां प्रदर्शित की जाएंगी। कर्तव्य पथ पर अनंत सूत्र नाम से एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। कर्तव्य पथ पर 18 राज्यों की 1900 साड़ियों की प्रदर्शनी की जाएगी। रेड में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की 25 झांकियां शामिल होंगी। इन झांकियों में भी महिलाओं पर फोकस किया गया है। परेड में तीनों सेनाओं की महिला टुकड़ी, नेतृत्व भी महिला अफसर को स्क्वाड्रन लीडर रश्मि ठाकुर मार्चिंग दस्ते का नेतृत्व करेंगी। देखिए देश भर में गणतंत्र दिवस का जो उल्लास है। देखिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोज आज चीफ गेस्ट हैं। थीम विकसित भारत, भारत लोकतंत्र की मातृका है। आज परेड का आगाज 100 महिला म्यूजिशियन शंख नगाड़े और वाद्य यंत्रों के साथ होगा। 1500 महिलाएं अपने पारंपरिक पहनावे में परेड में लोक नृत्य करेंगी। रक्षा मंत्रालय समारोह के दौरान एक स्मारक का सिक्का और स्मारक टिकट जारी करेगा। पहली बार तीनों सेनाओं पैरामिलिट्री ग्रुप से पुलिस की टुकड़ियों को महिलाएं लीड करेंगी। तीनों सेनाओं के कंटिजेंट का नेतृत्व भारतीय सेना की कैप्टन शरण्या राव करेंगी। केंद्रीय सशस्त्र बलों की टुकड़ियों में महिला कर्मी भी हिस्सा लेंगी। बता दें कि बीएसएफ, सीआरपीएफ और एसएसबी के महिला कर्मी 350 सीसी रॉयल एनफील्ड बुलेट्स पर सवार होकर स्टंट दिखाएंगे। खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, क्या कुछ तस्वीरें हैं आज कर्तव्य पथ पर, अभी परेड की यहां पर की जाएगी, क्या कुछ खास आज होने वाला है विवेक? पचहत्तरवां गणतंत्र दिवस प्रदेश भर में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर दिल्ली में जा कर्तव्य पथ परेड का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कुछ देर बाद झंडारोहण करेगी। इस मौके पर विशेष तौर पर सरकारी अतिथि के रूप में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो को बुलाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे और एक बड़ी परेड जिसमें तमाम संस्कृति की झलक जो है वो देखने को मिलेगी। वही राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया जाएगा। जयपुर के एसएमएस स्टेडियम पर राज्यपाल कलराज मिश्र 9:30 बजे जो है ध्वजारोहण करेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा साथ ही जयपुर जिले के जनप्रतिनिधि, पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। यहाँ भी राज्यपाल कलराज मिश्र परेड की सलामी लेंगे, जिसमें पुलिस, आरएजी, एसडीआरएफ समेत स्कूली बच्चों की जो स्काउट वाले स्काउट अलग तमाम जो आरएजी के जवान जो रहेंगे वो इस परेड में शामिल होंगे। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां भी जो है राजस्थानी कलाकार और स्कूली बच्चे देंगे। इस मौके पर सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम जो है वो देश भर में किए गए हैं, क्योंकि
इस मौके पर केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों की ओर से अलर्ट जारी किया गया था। इसी अलर्ट को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई। विवेक, महिलाओं को खास तौर पर शामिल आज ज्यादा किया जा रहा है, उनकी भूमिका ज्यादा दिखाई देने वाली है आज, विवेक क्या कुछ कहना है? अगर महिलाओं की बात की जाए तो देश प्रथम नागरिक जो है वो महिला है, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति के तौर पर प्रतिनिधित्व यहाँ पर कर रही है। झंडा भी आज जो है गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति ही फहराएगी, तो ये जरूर माना जा सकता है कि जिस तरह महिला सशक्तिकरण की दिशा में देश में अब काम हो रहा है, इसको लेकर महिलाओं में खुशी की लहर है, क्योंकि तमाम अहम पदों पर अब जो है महिलाएं काबिज होती नजर आ रही है। पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर महिलाएं हिस्सा लेती नजर आती है। और गणतंत्र दिवस 75वां जो गणतंत्र दिवस है ये कुछ खास होगा, कुछ महिला तौर पर एक राष्ट्रपति जो है वो यहाँ पर ध्वजारोहण करेगी और देश का प्रतिनिधित्व करेगी। विवेक, खबर पर तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बता दें कि देश का गणतंत्र दिवस आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दूसरी बार कर्तव्य पथ पर तिरंगा फहराएंगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों चीफ गेस्ट हैं। गणतंत्र दिवस की थीम विकसित भारत, भारत लोकतंत्र की मातृका है। परेड का आगाज 100 महिला म्यूजिशियन शंख नगाड़े और वाद्य यंत्रों के साथ होगा। 1500 महिलाएं अपने पारंपरिक पहनावे में परेड में लोक नृत्य करेंगी। रक्षा मंत्रालय समारोह के दौरान एक स्मारक का सिक्का और स्मारक टिकट भी जारी करेगा। पहली बार तीनों सेनाओं पारा मिलिट्री ग्रुप्स पुलिस की टुकड़ियों को महिलाएं लीड करेंगी। तीनों सेनाओं के कंटिजेंट का नेतृत्व भारतीय सेना के कैप्टन शरणवीर राव करेंगी। केंद्रीय सशस्त्र बलों की टुकड़ियों में महिला कर्मी भी हिस्सा लेंगी। बीएसएफ, सीआरपीएफ और एसएसबी की महिला कर्मी 350 सीसी रॉयल एनफील्ड बुलेट्स पर सवार होकर स्टंट दिखाएंगी। फ्लाई पास्ट में एयरफोर्स के 51 एयरक्राफ्ट भी हिस्सा लेंगे। इसमें 29 फाइटर प्लेन, 7 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, 9 हेलीकॉप्टर और 1 हेरिटेज एयरक्राफ्ट शामिल होगा। फ्लाई पास्ट में पहली बार फ्रांसीसी सेना की राफेल भी शामिल हो रहे हैं। इस साल 16 राज्यों के 9 मंत्रालय विभागों की झांकियां प्रदर्शित की जाएंगी। कर्तव्य पथ पर अनंत सूत्र नाम से एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। कर्तव्य पथ पर 18 राज्यों की 1900 साड़ियों की प्रदर्शनी की जाएगी। रेड में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की 25 झांकियां शामिल होंगी। इन झांकियों में भी महिलाओं पर फोकस किया गया है। परेड में तीनों सेनाओं की महिला टुकड़ी नेतृत्व भी महिला अफसर को